फिल्म बागी 29 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। कैसा रहा टाइगर और श्रद्धा कपूर फिल्म बागी का एक्सपीरियंस, जाना हमारे संवाददाता वसीम अख्तर ने। मेरे लिए आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज का दिन बागी है और मेरे साथ दो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं जो खुद बागी हो चुके हैं, श्रद्धा और टाइगर। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही था आपसे कि बहुत वक्त लगा दी मेहरबा आते आते, क्या वजह थी कि हीरोपंती से जो बागी का सफर है काफी लंबा वक्फा गुजर गया? जी, मैं बहुत बहुत खुशकिस्मती हूँ, खासकर क्योंकि मेरी पहली पिक्चर के बाद मुझे बहुत प्यार मिला और एक छोटी सी एक्सेप्टेंस मिली मुझे, तो उसे लेकर मैंने वादा किया कि मैं मेरे फैंस को या मेरे जो जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया बहुत ग्रेशियसली, उनको एक और बेहतर शो दिखाऊंगा इस बार और बेहतर तरीके से एंटरटेन करूंगा। तो वो दिमाग में रख के मैं, यू नो, कीपिंग देम इन माइंड, आई वॉज रियली इंस्पायर्ड टू वर्क हार्डर। तो एक अलग किस्म की एक्शन दिखाने की कोशिश की हमने और तो उसे लेकर काफी टाइम। तो आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड है श्रद्धा, आपने उनसे कभी कोई टिप्स नहीं ली कि जब से उन्होंने करियर की शुरुआत की है बैक टू बैक सुपर हिट फिल्में दे रही? मैं एक्चुअली मैं तो बिल्कुल टिप तो किसी को मतलब दे नहीं सकती। आई थिंक जो टिप्स देते हैं उनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है, वो वेटरन्स होते हैं, लेजेंड्स होते हैं, हमें उनसे टिप्स लेनी चाहिए। बस आई फील कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि अपॉर्चुनिटीज आए हैं मेरे पास और बस यही उम्मीद करती हूँ कि और ज़्यादा हार्डवर्क करूँ और अच्छे किरदार निभाऊँ, मेमोरेबल किरदार निभाऊँ और ऑडियंस का प्यार बस जीतती रहूँ। कब लोगों को पता चला कि श्रद्धा भी अच्छा गाना गाती हैं और शब्बीर ने आपको मौका भी दे दिया इस फिल्म में गाना गाने के लिए? मेरे ख्याल से काफी कठिन गाना है क्योंकि खास करके जो फीमेल वॉइस के लिए है उसका स्केल ऊंचा है। बिल्कुल। जिस पर तू साथ मेरे उस पर मेरी जिंदगी है, तुझे पाके पाया सब कुछ, कोई ख्वाहिश अब नहीं है। चलिए, श्रद्धा और टाइगर के फैंस का जल्द ही इंतजार पूरा होने वाला है।